इंडियन न्यूज 24 आवर। नवभारत टाइम्स कॉम अपडेटेड January 8, 2018 05:10 PM IST नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच जहां अधिकारों की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई है, वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में ठंड के कारण बेघर लोगों की मौत का मामला उठाते हुए बैजल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने निकम्मे ऑफिसर को नियुक्त कर दिया है। सीएम ने कहा कि वह मौत के मामले मैं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मीडिया में खबर आई है कि ठंड के कारण 44 बेघरों की मौत हो गई। मैं DUSIB के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी करने जा रहा हूं। पिछले साल लापरवाही से मौत हुई, इस साल LG ने निकम्मे अधिकारी को नियुक्त कर दिया। मीडिया रिपोर्टिंग 44 डेथ्स ऑफ होमलेस ड्यू टू कोल्ड, आई एम इशूइंग शो कॉज नोटिस टू CEO DUSIB negligible deaths law https://arvindkejriwal@arvindkejriwal1,515,404,749,000 केजरीवाल ने लिखा, LG ने अधिकारियों की नियुक्ति से पहले हमसे राय लेने से इनकार कर दिया। हम इस तरह कैसे सरकार चला सकते हैं। इधर आम आदमी पार्टी अपने आरोप लगाया है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उनके सर्विस रिकॉर्ड को लेकर विधानसभा कमेटी ने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। ये सेम ऑफिसर फॉर होम असेंबली कमेटी रेकमेंडेड एडवर्स रिमार्क्स इन हिज सर्विस रिकॉर्ड। चीफ सेक्रेटरी के https://sourabhardwaj@sourabhardwaj1,515,405,543,000 CM केजरीवाल के ट्वीट के बाद आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रिट्वीट किया, जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था विधानसभा की कमेटी ने उनके सर्विस रिकॉर्ड को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की थी। चीफ सेक्रेटरी कुट्टी अपने अधिकारी का बचाव करने हाई कोर्ट पहुंच गए। LG कभी भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल अनिल बैजल, क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो। डाउनलोड करें हिंदी न्यूज ऐप और रहें हर खबर से अपडेट। वेब टाइटल deaths of homeless due to cold, Kejriwal to issue notice against two SIBs. So Hindi news from Navbharat Times. Till network get Delhi news. Breaking news headlines from all cities of states. Stay updated with us to get latest news.